हे गाइस वेलकम बैक टू माय। तो फिलहाल मैं अभी मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ और फाइनली हमारा धान का सीजन आ चुका है। तो ये है मेरा रेपर और ये थोड़ा बीमार हो गया है अभी, तो इसको बनवाने लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो इसका एक्सीलेटर वायर टूट गया है और यहाँ से थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। तो अभी सीजन में चलेगा कुछ दिन। हाँ देखिए, इतना सारा साज बाज लेके जाना पड़ता है हम लोग को, इसमें बहुत सारा नट बोल्ट कुछ ना कुछ फेंकाते रहता है, तेल फूल सब पकड़े हैं। हाँ देखिए हमारा ब्रोनी सुबह सुबह इसको छोड़ देते हैं, आजकल तो मस्त घूम फिर के आ जाता है, अभी मस्त सोएगा शाम तक। और यहाँ पे पूरा इसको फिनिश, पूरा घास को उखड़वा के देखिए यहाँ पे धान वान अभी हम लोग ला रहे हैं। धान का सीजन चालू हो गया है तो यहाँ एक दो भार शायद ले भी लाए हैं, इसको मिस के थ्रेसर में डायरेक्ट मिसना है, उसके बाद हो जाएगा। तो हमारी चाची जी यहाँ पे लिपाई पोताई कर रही है। यहाँ देखिए दिन भर में सिरा जाएगी आज नहीं लागे, जल्दी हो जाए। हाँ दिन भर नहीं लागे, ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं है, यहाँ से ऐसे करना है। फिलहाल यहाँ देखिए ये है हमारा रुई वाला रोटी, अभी जो हमारी बड़ी मम्मी उषा की थी तो वही सब चावल वावल जो दिखाया था वही सब को मिक्स करके बनाते हैं, तो उसी का ये एक हिस्सा है। तो देखिए पूरा जैसे रुई रहता है कॉटन, उसी टाइप का ही है ये, मस्त जबरदस्त। चलिए आगे हमारे एक भैया इन्हीं के गाड़ी में जाएंगे। तो एक बार हमारा ब्लॉग आ चुका है, इनके नया गाड़ी हम लोग एक लिए हैं, तो बुकिंग के लिए संपर्क जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज हम बुकिंग कर लिए इनको। चलिए निकल रहा है हमारा गाड़ी फाइनली, ओ दे रे बन गया। चलो चला गया, ये फिटिंग फाटंग हो गया, बैठो रे चलो चला। हम लोग के मिस्त्री भी आया जा रहे हमारे साथ। फिलहाल हम पहुंचे हैं ढींका चीका रोड में और यहाँ देखिए ढींका चीका हो गया, एक ट्रेलर वाले का धस गया पूरा, उस साइड ज्यादा ही काट दिया। मेरे को लगता है इधर गाड़ी कोई साइड नहीं दिया होगा तो अपना उधर थोड़ा साइड देने के चक्कर में ही घुस गया है गाड़ी। तो उधर जस्ट बगल में तालाब है, बाकी बड़ा खतरनाक टाइप का धंसा है। देखिए आर पार जाने नहीं बनेगा, तो वहाँ होटल वाले देखिए कैसे जाएगा रे आदमी इस बार। वहाँ पे एक इंजीनियर जी हैं, देखिए यहाँ पे बन रहे हैं। और चलो बन तो जाए जैसे तैसे ना बढ़े, कितना दिन में बन जाएगा जैसे लगता है? आउटिंग का जीका हो जाएगा, एक दो साल लगभग लग जाएगा, लेकिन काफी लंबा चौड़ा टारगेट है ना, अभी खोद रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूरा रोड, इन लोग को बड़ा गाड़ी लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा वही फंसा है ना ट्रेलर वहाँ पे। ये पहुंच गए बब्बा कृषि केंद्र, यहीं बनता है। तो फिलहाल उतरते हैं गाड़ी से, लोग इसको बनवाएंगे यहाँ। हेम पटेल लेना खा ले, धर रवे धर अलगा रहा हो वहाँ चाह रहा रहा रहा। चलो चल चल चलो, देखना रे आग आग लग जा रहा है। एक्सीलेटर वाला ये वाला है, मिलेगा ये वाला? हाँ ये चाहिए, तार चाहिए, क्या हाल बना रखे हो, बुलवा तो देते पहले एक बार। अरे जान तो रहे, साल भर में एक बार निकलता है। क्या चीज का चंदा है? बच्चे लोगों के लिए नाटक का, बाघ भालू का ड्रेस लगा के घूम रहे हैं। देखिए बड़े देर बाद लगभग दो चार घंटा लग गया ना बड़े, अब बन गया। और जैसे ही बना फोन पे फोन बुकिंग, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे गांव मारा तरी, वहाँ एक दो साल में काट चुका हूँ, तो चलिए वहाँ छोड़ के आएंगे। और अगल बगल देखने वाले भी कटवाते हैं, तो लगभग लगभग सीजन भर इधर ही चल देगा आस पास के गाँव में ही। फाइनली पहुँच गए भैया जी, हमें रोक लिए रास्ता में, इन्हीं का काटना है, जाना तो था हम लोग को दीवानपुर, बाकी इनका काट के तो आज तो बनेगा नहीं ना भैया, कल से काटेंगे, कल से काटेंगे। विश्वकर्मा भगवान ओके है पूरा। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ हमारे साल वाली चाची लोग के यहाँ, तो सब लोग हम लोग आए हैं खाने के लिए, इनवाइट किया हाँ चाची लोग। तो हमारी चाची जैसे कि मैंने बताया था नवरात्रि करती है, तो नौ नौ दिन खाना नहीं खाते है ना, तो सही में बताइएगा भूख लगता है कि नहीं? नहीं लगता है, नहीं लगता। क्या खाते हैं तो नौ दिन के?
फल फूल साबुदाना आलू उबाल के और लौकी उबाल के लौकी को उबाल के चल तुम भी करते होगी नहीं करती हूँ मैं झरना तो एक दिन नहीं सकती एक आध दिन रहे हो तुम सही में शिवरात्रि में बस एक दिन एक ऐसा ना नवरात्रि का व्रत है कि नौ दिन टिक जाएगा आदमी बाकी ऐसा व्रत ऐसे सिंपल में अगर एक आध दिन करते हैं ना तो बहुत भूख लगता है बाकी नवरात्रि नौ नौ दिन नहीं पड़ता है मेरा तो दस दिन पड़ता है मम्मी तो नौ दिन ना मम्मी नौ दिन आपको लगता है भूख नहीं लगता मैं तो आलू कुछ भी नहीं खाती हूँ बस साबुदाना बस एक दो ठो केला छोटी ममता कहाँ गई रे दे दो थोक में दे दो सबको इस फिलहाल यहाँ पे गोटी खेल चल रहा है इसमें शर्त लगा है जो जीतेगा वो कितना कितना रुपए का रहेगा तो मैं भी खेल लूंगा कितना कितना का कितना कितना का रहेगा खेलोगे तुम की जानते हो शेखर तो चलो पहला मेरा रहेगा एक बार दिखाओ ना बहुत दिन टच नहीं किया सही में पक्का चलो पहला मेरा रहेगा माता गोटी पिता जो भी हो आप जितवा देना मेरे को मुर्गा बनेगा ना ये भी देख लो चलो गाइस हाँ हाँ नहीं रहेगा अभी रेडी करूंगा मैं तो ट्राई करने के लिए बोला था ना चलो अभी रेडी रहेगा बहुत दिन बाद नहीं खेला हूँ एक दो तीन चार अब दूसरा वाला अब दो तो करना है ना है जो रे जानोगा तो मैंने घोड़ा घोड़ा हाथी कुकरो छेड़ी इसको क्या बोलते हैं घोड़ा इसको पंछी पंछी बोलते हैं लास्ट टाइम कब खेली थी चंचल आज हम लोग पुराना याद को खेलिए तू कब खेली गलत हो गया हाँ अब तो गया रे बेटा चलो उठा के घुसा हाँ, चल खत्म अब छोटी का पारी देखते हैं छोटी कितना सकती है हाँ खत्म नहीं मानने ₹10 ₹10 दे इसको देना दे रही ये उधर नहीं दे रही है पैसा मेरा भी सूबे ले लेना ना अच्छा शेखर इतना सारा बर्तन को यूज करते होगी तुम लोग खरीद कर रखे हैं इसको ये तमता में रहते थे उस टाइम का है क्या और यहाँ पूजा भी करते हो पूजा और बोरा में क्या है चावल है मैं सोच रहा था इतना सारा बर्तन की किराया भाड़ा भी देते हो नहीं देते हैं बहुत सारा है ना किराया भाड़ा करना नहीं पड़ेगा एक ही मान ही नहीं पड़ जाएगा हम लोग तेरा शादी के लिए काम आएगा पूरा हो जाएगा तो कहीं चलिए मैं सीधे घर आ गया खाना पीना खा के और अभी देख रहा हूँ मैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच 15 रन चाहिए बस साउथ अफ्रीका को तो देखते हैं बना पाता है कि नहीं बाकी हाथ में इनके दो ही विकेट है बाकी उम्मीद है साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा टीम है जीत ही जाएगा तो चलिए मैच का आनंद उठाते हैं तो फिलहाल काफ़ी रात भी हो गया तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं इस वीडियो के लिए एक प्यार भरा लाइक तो बनता है साथ ही चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा मिलते हैं आपसे कल सुबह